तो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि धर्म क्षेत्र का एक गूढ़ अर्थ भी है। वह क्या है? धर्म क्षेत्र में धर्म और क्षेत्र ये दो शब्द हैं। यदि क्षेत्र का अर्थ खेत माना जाए तो धर्म क्षेत्र का अर्थ हुआ वह जगह, वह स्थान जहाँ पर धर्म की फसल लगाई जाती है। और जिस प्रकार गेहूं के खेत में गेहूं की ही फसल लगाई जाती है और दूसरे पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में, धर्म के स्थान में केवल धर्म की ही फसल उगाई जाती है और धर्म के पौधों को, अधर्म के पौधों को उखाड़ दिया जाता है। इस धर्म के खेत में श्री कृष्ण ही किसान हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं। और पांडवगण इस खेत में धर्म के पौधे हैं और दुर्योधन और कौरवगण जो हैं वह अधर्म के पौधे हैं। तो जिस तरह किसान गेहूं के खेत में गेहूं के पौधों को बढ़ाता है और दूसरे पौधों को उखाड़ कर फेंक देता है, तो उस तरह से भगवान कृष्ण जो किसान के रूप में प्रकट हुए हैं, वह पांडवों को धर्म के पौधों को तो बढ़ाएंगे और कौरव के रूप में जो अधर्म के पौधे हैं उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, नष्ट कर देंगे। इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म देवता के पुत्र हैं, इसीलिए धर्म क्षेत्र का यह अर्थ भी है कि इस क्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाइयों का ही अधिकार है, अन्यों का नहीं है। और हम देखते हैं कि जिस तरह अधर्म के स्थान पे अधर्म ही पनपेगा और धर्म के स्थान पर धर्म ही पनपेगा, और इस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अधर्म की फसल लगाने का प्रयास किया भी जाएगा तो भी अधर्म की फसल नहीं पनपेगी परंतु धर्म की फसल होगी, वही पनपेगी। इसका मतलब यह है कि धर्म के पक्ष में चलने वाले पांडवों की विजय आसानी से होगी और अधर्म के पक्ष में चलने वाले कौरवों को अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी विजय प्राप्त नहीं होगी। और एक ये भी देखा जाता है कि इस श्लोक में हम ये देख सकते हैं कि धर्म क्षेत्र शब्द बहुत, इसका एक मीनिंग है। वह क्या है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण खुद उपस्थित थे, तो उस स्थान को धर्म का क्षेत्र ही कहा जाएगा जहाँ पे भगवान खुद उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का आगमन धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है, इसीलिए इस स्थान को कुरुक्षेत्र का नाम देना ज़्यादा ठीक है। तो भगवान भगवद्गीता में भी वर्णन मिलता है कि प्रकट होते हैं क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। धन्यवाद।